नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना और मुमताज का है। जब मुमताज ने शादी की तब राजेश खन्ना का क्या हाल हुआ, ये सालों बाद खुद मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया। फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से मशहूर एक्टर राजेश खन्ना और खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज ने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं। दोनों ने करीब 10 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनके बीच की जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को खूब पसंद आती थी। और एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया था कि मेरी शादी के बाद राजेश खन्ना की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। राजेश खन्ना और मुमताज ने साथ में दो रास्ते, आपकी कसम, दुश्मन, सच्चा झूठा जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी जितनी ऑन स्क्रीन मशहूर थी उतनी ही ऑफ स्क्रीन भी लोग उनके दीवाने थे। राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए मुमताज ने एक बार एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू फिर बाद में वायरल भी हो गया। हुआ यूं कि मुमताज का इस इंटरव्यू में कहना था कि राजेश खन्ना का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो किसी की भी आलोचना उसके मुंह पर करते थे और वो पीठ पीछे बात करने वालों में से नहीं थे। लेकिन उनके करीबी लोगों ने मुझे बताया कि जब मैंने शादी की और भारत छोड़ दिया तो काका कहा करते थे कि मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया है। जाहिर है कि हमने इतनी अच्छी जोड़ी बनाई थी कि मैं हमेशा वो मुझे याद करते थे। मुमताज और राजेश खन्ना की फिल्मों ने दर्शकों को खूब एंटरटेन भी किया। मुमताज इस इंटरव्यू में आगे कहती हैं कि जब राजेश खन्ना बीमार रहते थे तब वो उनसे मिलने आई थी बाद के दिनों में, और आज भी अगर राजेश खन्ना की कोई फिल्म चल रही हो तो मुमताज उसमें ज़रूर दिखती हैं और अपने प्यारे दोस्त को याद करती हैं। राजेश खन्ना की मृत्यु 18 जुलाई साल 2012 को कैंसर की वजह से हुई थी। उस वक्त वो 70 साल के भी पूरे नहीं हुए थे। आपको बता दें कि मुमताज भी एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्हें एक बार हॉस्पिटल में भी इस बाबत एडमिट होना पड़ा और उनका इलाज वहाँ पर चलता रहा। करीब 10 दिनों तक उन्हें ड्रिप पर वो रहीं, लेकिन अभी उनकी तबीयत में सुधार है और अब वो ठीक हैं। मशहूर फिल्में करने के कुछ समय के बाद अचानक से मुमताज ने इंडस्ट्री छोड़ दी। साल 1974 में मयूर वाधवानी से शादी करके वो US में सेटल हो गई और अब बॉलीवुड के गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज की दो बेटियां हैं, तान्या और नताशा। और तान्या और नताशा माधवानी ने माँ एक्ट्रेस होने के बावजूद एक्टिंग से दूरी बनाए रखी। नताशा ने बॉलीवुड के एक ज़माने के चॉकलेट बॉय फरदीन खान से शादी की और वो खुद एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।